हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ प्रमोद कदम। मैं आज बेसिकली आपको एक डिस्कशन करने वाला हूँ इस वीडियो में। अभी आज लास्ट डे है, आई नो मैं लेट हो चुका हूँ वीडियो आपको प्रोवाइड करने में और मेरा सजेशन आपको प्रोवाइड करने में, बट स्टिल जो भी स्टूडेंट अभी सोच रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उनको इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ें क्लियर करूँगा। देखो, ऑप्ट आउट ऑप्शन आपके लिए है और आपको ये ऑप्शन ऑप्ट करना है अगर आप कंटेनमेंट जोन में रहते हो या उसके अलावा आप यानी कि दिल्ली, बॉम्बे जैसे या पुणे जैसे प्लेस में रहते हो, तो उस सिचुएशन में आप ऑप्शन को ऑप्ट करो। क्योंकि देखो, अल्टीमेटली सिचुएशन क्रिटिकल है, आपको भी पता है, और सिचुएशन क्रिटिकल होने के कारण आप कुछ ये नहीं कर रहे हो, रिक्स लेनी है हमें, मगर रिक्स हमारे फैमिली मेम्बर के साथ, हमारे लाइफ के साथ नहीं लेनी है। हम अगर आप अपने ऑप्शन ऑप्ट आउट किया तो आपको ICI ने क्लियरली बोला है कि आपकी एग्जामिनेशन नवंबर में होगी, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ साथ ICI ने ये भी क्लियर किया है कि आपको यानी कि जो भी ऑप्शन है, ये देखो कितना अच्छे तरीके से ICI ने हमें यहाँ पर नोटिफाई किया है और हमें यहाँ पर सजेशन दिया है कि अगर आप ऑप्ट आउट ऑप्शन लेते हो तो डरो मत, आपकी एग्जामिनेशन हम कंडक्ट करेंगे नवंबर एग्जामिनेशन में। और उसके साथ साथ ICI भी चाहती है कि अगर आप सही में कंटेनमेंट जोन में हो या सही में ऐसे सिचुएशन पे हो जहाँ पर केसेस बहुत ज़्यादा है, तो ICI भी आपके लाइफ के साथ रिस्क नहीं लेना चाहती है। और इस सिचुएशन को समझो, अगर आपने ऑप्ट आउट किया इसका मतलब ये नहीं कि आपने अपने आप को सेक्रीफाइस किया या आपने ऐसा सब हार गया, कुछ भी नहीं बचा लाइफ में, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा सोचो भी मत और डिमोटिवेट मत हो जाओ। नेक्स्ट थिंग इम्पोर्टेंट ये होती है कि ऑप्ट आउट करने के बाद अगर आपने अभी एक ग्रुप का फॉर्म फिलअप किया है तो आपको सेकंड ग्रुप का फॉर्म जो भी ICI रिलीज करेंगे वो सितंबर मिड में वो फॉर्म रिलीज करेंगे, और वो फॉर्म आपको क्या करना होगा, ICI के पोर्टल पर जाकर वो आपको फिलअप करना होगा। उसके साथ साथ आप वहाँ पर दोनों ग्रुप के एग्जामिनेशन दे सकते हो क्या? यस, बिल्कुल आप दोनों ग्रुप के एग्जामिनेशन दे सकते हो। बस ऑप्ट आउट के कारण जो भी आपका लैप्स होने वाला था एग्जामिनेशन जुलाई में, वो आपका एग्जामिनेशन लैप्स नहीं होगा, वो कंसिडर किया जाएगा और उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं नवम्बर में। बस यही मुझे चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करनी थी ऑप्ट आउट के बारे में। अब सेकेंड थिंग, अगर आप ये है कंटेनमेंट जोन में हो, नहीं हो या ग्रीन जोन में हो, तो आप बिल्कुल ही रिक्स यानी कि मैं बोल रहा हूँ आप एग्जामिनेशन दो, आपके पास टाइम है और आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। गाइस, अच्छे से प्रिपेयर करो और जो भी डिसीजन ले रहे हो आप सही डिसीजन ले रहे हो और सही वे में आप जा रहे हो। डोंट थिंक कि यार कैसे होगा क्या होगा। गाइस, टेक केयर, बाय बाय।